पूर्वी लद्दाख में LSC पर भारत और चीन के बीच 3 महीनों से तनाव है। भारतीय सेना ने जिस तरह चीन को उसकी हद में रहने पर मजबूर कर दिया, उसके बाद तो ड्रैगन दूसरे रास्तों से भारत के खिलाफ साजिश रचने में जुट गया है। सोमवार सुबह को खुलासा हुआ है कि चीन भारत के करीब 10,000 लोगों की निगरानी कर रहा है, जिसमें देश के राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक शामिल हैं। इस लिस्ट में वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, CDS बिपिन रावत, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एसए बोबडे, HD देवगौड़ा समेत 4 पूर्व प्रधानमंत्री, 24 मुख्यमंत्री, 350 सांसद, 16 पूर्व मुख्यमंत्री, 70 मेयर, डिप्टी मेयर शामिल है। चीन की चालबाजी केवल यही नहीं रुकी है, बल्कि वह राजनेताओं के अलावा हर क्षेत्र के लोगों की निगरानी करवा रहा है। इसमें अहम पदों पर बैठे नौकरशाह, जज, वैज्ञानिक, शिक्षाविद, पत्रकार, कलाकार और खेल से जुड़ी हस्तियां शामिल हैं। इसके अलावा धार्मिक नेताओं और कार्यकर्ताओं पर भी ड्रैगन की नज़र है। खबरों के मुताबिक चीन की कंपनी शेंझेन इन्फोटेक और झेनहुआ इन्फोटेक ये जासूसी कर रही है। शेंझेन इन्फोटेक कंपनी ये जासूसी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार के लिए कर रही है। इस कंपनी का काम दूसरे देशों पर नजर रखना है। आपको बता दें कि चीन के नापाक इरादों से सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया परेशान है। एक ऐसा खुलासा ब्रिटेन को लेकर भी हुआ है, जहां एक चीनी कंपनी ने ब्रिटेन के 40,000 लोगों की जासूसी की है। न्यूज़ डेस्क।